परवेज मुशरफ संगीन गद्दारी केस की समाअत शुरू हुई। खसूसी अदालत का 28 मार्च का हुक्मनामा अदालत में पेश किया गया। परवेज मुशरफ के वकील ने कहा कि मुशरफ खुद वापस आकर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, साबिक सदर परवेज मुशरफ यकीन दहानी के बावजूद वापस न आए तो क्या होगा? वादा करके वापस न आने पर कुछ तो होना ही चाहिए। संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशरफ संगीन गद्दारी केस में फैसला सुनाते हुए कहा, ट्रायल कोर्ट परवेज मुशरफ की अदम पेशी पर इस्तगासा को सुनकर फैसला कर दे। 2 मई को पेशी पर मुशरफ को तमाम कानूनी हकूक मिल सकते हैं। इल्तिवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुशरफ के पेश ना होने पर उनका दिफा का हक खत्म हो जाएगा। अगर वो पेश नहीं होते तो इसका मतलब है कि 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहते। मुलजिम जानबूझकर गैर हाजिर हो जाए तो उसके बाद की कार्रवाई गैर हाजिरी के जुमरे में तसव्वुर नहीं होगी। मफरूर मुलजिम के कोई हकूक नहीं होते।